हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया दत्तो और आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग दिखेंगे, ठीक है। तो इधर देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपैरेंटल। यूनि मतलब वन, पैरेंटल मतलब पेरेंट। तो इसका मतलब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, ओके। पर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है, बाई पेरेंटल है। बाई मीन्स व्हाट, टू, और पेरेंटल मीन्स पेरेंट। तो उसमें क्या होगा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेगा, दो पेरेंट विथ ऑपोजिट सेक्स, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे गैमिट फॉर्म करेगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है। आप ये माइटोटिक डिवीजन क्या है, अगर पेरेंट का जो सेल है उस सेल में ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसका जो डॉटर सेल्स रहेगा उसमें भी ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, ठीक है। मतलब पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। इसके वजह से माइटोटिक सेल डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ओके। इसके लिए इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है उसके पेरेंट्स से, ओके। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस में माइटोटिक डिवीजन तो होता है, पर मियोसिस डिवीजन जो है वो सिर्फ एक ही बार होता है। कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स भी बोल सकते हो वो जब फॉर्म करता है तब क्या होता है, वो मियोटिक डिवीजन उस पर होता है। मियोटिक डिवीजन क्या है, मियोटिक डिवीजन को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको हाफ कर देता है, मतलब हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है, उसका सेल। तो उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। उस पर ट्वाइस एन नहीं रहता है, उस पर सिर्फ एक ही एन रहता है, क्योंकि उस पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है मियोटिक डिवीजन में। तो मियोसिस सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। और मियोसिस कहाँ होगा, जर्म सेल्स पे होगा, जो सेक्स सेल्स है, गैमिट्स है, वहाँ पे ही होगा। मेल का क्या है, स्पर्म है, और फीमेल का ओवा, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका पोलन। तो वहाँ पे क्या होता है, म्यूटिक सेल डिवीजन होता है, यानी उसका जो गैमिट्स होगा वो म्यूटिक सेल डिवीजन से डिवाइड करके फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और बाकी का जो बॉडी में डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन ही होता है, ठीक है। उसमें ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट रहता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब दो गैमेट्स एक साथ जुड़ जाए उसको फर्टिलाइजेशन बोलता है, ठीक है। तो उस वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फर्स्ट होते हैं, बहुत ही इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि उसमें तो कुछ क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है ना। तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें सेम नंबर, मतलब जो उसका पेरेंट्स का था उसका ऑफस्प्रिंग में भी ऐसा ही रहेगा, क्रोमोसोम सेम ही रहेगा। तो जो जेनेटिकली तुम्हारा जो क्रोमोसोम्स है, तुम्हारा क्रोमोसोम सेम है तो जेनेटिकली वो सिमिलर ही रहेगा ना। तो इसकी वजह से वो पेरेंट्स से एकदम मिलता जुलता रहेगा। न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो
ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो एक पेरेंट्स से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग लेगा और दूसरे पेरेंट्स से वो फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा. तो इसमें तो मिक्स हो रहा है ना, दोनों पेरेंट्स से ही अपना क्रोमोसोम्स लेगा ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पे तो मिक्स हो रहे हैं दो क्रोमोसोम्स, तो इसमें क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा ऑफस्प्रिंग. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई स्कोप नहीं होगा वेरिएशन में. क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ क्रोमोसोम्स तो कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है क्रोमोसोम्स का, तो इसमें कुछ वेरिएशन नहीं दिखेगा. इसका मतलब ये इवोल्यूशन नहीं शो करेगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कॉम्बिनेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, इसका मतलब वो वेरिएशन दिखाएगा और इवोल्यूशन भी होगा उसमें. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होता है लाइक एमीबा, जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, जो एक ही सेल से बना हुआ होता है, लाइक एमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है. ठीक है. लोअर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि हम लोगों में, डॉग में, एम्फीबियंस में, इन सभी में. और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा बैक्टीरिया जो है, फंजाई जो है, फिर आते हैं प्रोटोजोआंस, फिर कोई कोई ऐसे भी एल्गी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा. ठीक है. कंजुगेशन मेथड से. तो आज के लिए इतना ही. आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया. अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.